खबर जबलपुर से है, जहां जबलपुर के ग्रामीण इलाकों में शासकीय स्कूलों में टीकाकरण केंद्र बनाए गए, जिससे 15 से 18 साल के वर्ग के बच्चों को टीकाकरण लग सके। जबलपुर में कोरोना महामारी के बचाव को लेकर 15 से 18 वर्ष के बालक बालिकाओं को कोरोना का टीकाकरण का अभियान शुरू किया गया है, जहाँ जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग द्वारा शहरी व ग्रामीण 180 शासकीय स्कूलों में कोरोना टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। वहीं 80 निजी स्कूलों में भी केंद्र खोले गए हैं, जिसके अंतर्गत आज कैलावास में ग्रामीण स्कूल छेदीलाल शासकीय स्कूल में कोरोना टीकाकरण की शुरुआत हुई, जहां 15 से 18 वर्ष के वर्ग के बच्चों को केंद्र में टीका लगाया जा रहा है। वहीं प्रथम दिन 200 बच्चों को टीका लगाया जाना है, जहां कोरोना से बचाव के लिए लगाए जा रहे टीकाकरण को लेकर बालक बालिकाओं में उत्साह देखा गया। वहीं बच्चों को टीका लगाए जाने को लेकर अभिभावकों का अनुमति पत्र अनिवार्य किया गया। अनुमति पत्र को लेकर बच्चों को स्कूल में आना अनिवार्य है। वहीं टीका लगवाने आई बालिकाओं ने कहा कि कोरोना महामारी से बचाव को लेकर अब बच्चों को जो टीका लगाया जा रहा है, उसके लिए सभी बहुत खुश हैं, जिससे अब बच्चों को कोरोना महामारी से बचने में सहायता मिलेगी। साथ ही आगे उनकी परीक्षाएं और स्कूल खुलने में अब जल्दी टीकाकरण के बाद निर्णय लिया जाएगा। कैलवास स्कूल में मैडम कितने बच्चों के लिए डोज आया और अभी तक कितने बच्चों को लग चुकी है? 16 बच्चों को लग चुके हैं और 100 का टारगेट है, अगर उससे ऊपर भी लगेगा तो लगाएंगे। वैक्सीन लगाई जा रही है किस तरीके से? बच्चों को पहले इन्फॉर्म कर दिया गया था, साथ ही साथ उनको ये भी कहा गया था कि अनुमति पत्र घर से लेकर आएंगे और भोजन वगैरह करके आएंगे थोड़ा, जिससे कि उनको बाद में कोई तकलीफ ना हो। और बच्चों ने बहुत उत्साह दिखा रहे हैं और सभी बच्चे जो 15 से 18 के बीच हैं, वो सारे बच्चे आज आ गए हैं। और हमारे यहाँ भी वैक्सीन 100 तो आ चुकी है और जिसमें से 15-20 को करीब लग चुकी है, और अभी और भी जैसे ही 20 बच्चे बचेंगे तो उन्होंने कहा है कि एक और वैक्सीन का पूरा 100 फिर आ जाएगा। मैम, ग्रामीण क्षेत्र कुछ लोग कम पढ़े लिखे जैसे बोलते हैं, तो वो लोग अपने बच्चों को वैक्सीन लगवाने से मना कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी आए हैं क्या? एक आध आए हैं, ज़्यादा नहीं है, मैंने ये समझ लीजिए कि 1% होंगे, इससे ज़्यादा नहीं है। सभी ने बहुत जागरूकता दिखाई है, ग्रामीण के हिसाब से बच्चों ने भी और उनके माता पिता ने भी बहुत जागरूकता दिखाई है। बच्चों में बहुत उत्साह है कि उनको लगाना ही है। मैम, शुभ नाम? हमारा नाम शर्मिला चक्रवर्ती, मैं ये गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कैलवास में प्रिंसिपल की पोस्ट। जबलपुर से आशीष वाथे की रिपोर्ट।